My dear student, today I shall teach you lesson 11. The lion in the zoo. Zoo means चिड़ियाघर और lion means sheep. तो the lion in the zoo. अब इसको देखेंगे. The lion in the zoo. How do you feel when your parents go to market? Leaving you alone in the home. Do you feel loneliness? Let's read the story given below to know the behavior of the lion who is alone in the cave. Kare, how do you feel when your parents go to market? Leaving you alone in the home. अरे क्या कभी फील किए हैं कि जब आपके माता पिताजी आपको अकेला छोड़ करके घर में अकेला छोड़ करके कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं. Do you feel loneliness? Loneliness. LONELINESS. BEHKVIOUR तो कह रहे कि डू यू फील लोनलीनेस, करें क्या आप अकेलापन महसूस करते हैं? लोनलीनेस अकेलापन. लेट्स रीड द स्टोरी गिवन बिलो टू नो द बिहेवियर ऑफ द लायन हु इज अलोन इन द केज. करें कि आइए नीचे दी हुई स्टोरी के बारे में जानते हैं. किसके बारे में? कर नीचे दी हुई स्टोरी में लायन के बिहेवियर के बारे में, व्यवहार के बारे में जानते हैं, जो एक पिंजरे में अकेला रहता था. अब बिहेवियर में व्यवहार, लोनलीनेस माने अकेलापन, बिलो माने नीचे, अलोन में अकेला. Once a lion lived in a zoo. He lived locked up in a cage whole day. करें once a lion lived in a zoo. करें एक बार एक lion zoo में रहता था, चिड़ियाघर में रहता था. He lived locked up in a cage whole day. करें वो संपूर्ण दिन एक पिंजरे में बंद रहता था. The lion was very bad tempered. He roared at everybody all day long. He roared when he was hungry. He roared when he was angry. And he roared just like that. Everybody was afraid of the lion. करे कि द लायन वाज वेरी बैड टेम्पर्ड. करे कि लायन जो है बहुत ही बुरे मिजाज में रहता था. ही रोड एट एवरीबॉडी ऑल डे लॉन्ग. करे को दिन भर जो है सभी लोगों पर, हर एक लोगों पर जो वहां जाते थे उन पे क्या करता था? रोड करता था, दहाड़ता था, चिल्लाता था. ही रोड व्हेन ही वाज हंग्री. करे को तब दहाड़ता था जब वो क्या होता था? हंग्री. हंग्री में भूखा. भूखा. करे को कब चिल्लाता था, रोल करता था? हरी बार हंग्री, जब वो भूखा रहता था.
ही रोड व्हेन ही वाज एंग्री, करें कि एंग्री माने नाराज, करें वो तब चिल्लाता था जब वो नाराज होता था। एंड ही रोड जस्ट लाइक दैट, और करें वो ऐसे ही रोड करता रहता था, चिघाड़ता रहता था, चिल्लाता रहता था। एवरीबॉडी वाज अफ्रेड ऑफ द लायन, करें कि एवरीबॉडी वाज अफ्रेड ऑफ द लायन, अफ्रेड मतलब भयभीत, करें सब लोग लायन से क्या थे, भयभीत थे। वन डे अ लिटिल डॉग वाज पासिंग बाय द लायंस के, ही वाज वीक एंड थिन एज ही हैड नॉट ईटन फॉर मेनी डे, ही वाज वॉकिंग विद द नो विद हिज नोज टू द ग्राउंड लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट। Suddenly the dog smelled a food. He was following the smell and without realizing ended up in the cage of the lion. The dog was scared when he saw the lion. करें वन डे द लिटिल डॉग वाज पासिंग बाय द लायंस के, करें एक दिन वाज छोटा कुत्ता जो है शेर के पिंजरे के पास से गुजर रहा था। ही वाज वीक एंड थिन एज ही हैड नॉट ईटन फॉर मेनी डे, करें वो जो है इतना कमजोर और दुबला था, करें जैसे उसने कई दिनों से नहीं खाया था, इतना कमजोर और दुबला था जैसे उसने कई दिनों से नहीं खाया था। He had not eaten for many days. He was walking with his nose to the ground looking for something to eat. करे वह जो है कैसे टहला, करें नाक से द्वारा जमीन पर कुछ खाने के लिए खोजता हुआ क्या कर रहा था, टहल रहा था, करें कि अपनी नाक से सूंघता हुआ या कुछ भोजन को जमीन पर तलाश करता हुआ कुछ खाने के लिए क्या कर रहा था, खोज रहा था। सडनली द डार्क स्मेल फूड, करे अचानक उसको भोजन की महक मिली। ही वाज फॉलोइंग द स्मेल, फॉलोइंग पीछा करना, उसने क्या किया उस स्मेल का, उस सुगंध, उस गंध को पीछा करते हुए किया कर रहा था। एंड विदाउट, करे को उस सुगंध का पीछा कर रहा था। एंड विदाउट रिलीजिंग इंडेड अप इन द केज ऑफ द लायन, और करे बिना किसी अनुभव के, करे वो जो है शेर के पिंजरे के समीप, करे उसको एहसास ही नहीं हुआ कि वो जो है शेर के पिंजरे के पास पहुंच गया, करे उस सुगंध का पीछा करते हुए बिना एहसास के, करे वो शेर के पिंजरे का की करे सीमा, उसको सीमा का एहसास नहीं हुआ और वह शेर के पिंजरे की सीमा के पास या शेर के पिंजरे के पास पहुंच गया। द डॉग वाज स्केयर्ड व्हेन ही सॉ द लायन, करे कि जब डॉग ने किसको देखा, लायन को देखा तो स्केयर्ड माने भयभीत, करे को जो है क्या हो गया, भयभीत हो गया। अब इतना आप लोग घर पे पढ़ेंगे और कम से कम इसको 3 बार पढ़ेंगे और अर्थ भी लगाएंगे, कल हम फिर या परसों फिर आगे का पार्ट लिख के देंगे।